हाय फ्रेंड, देखिए आज हम ये थाल पोस का डिज़ाइन लाए हैं आप लोग के लिए। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिज़ाइन लेके आए तो आप लोग के पास मिले। देखिए हमने ये थाल पोस बनाया हुआ है। आपको और बड़ा करना हो तो ये स्टेप्स और बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 2 3 4 ऐसे बढ़ाते हुए बनाए हैं तो उस पर 5 6 7 ऐसे करते करते और ऊपर करके तब ये डिज़ाइन बना सकते हैं आप लोग। तो और बड़ा हो जाएगा ये थल पोस, तो आप लोग को जितना बड़ा साइज़ में चाहिए बना सकते हैं। हमने ये पिंक और वाइट कलर में बनाया हुआ है। कलर अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर का क्रोशिया है ये, और उलन मेरा 4 प्लाई का है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 50 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा लग रहा जरूर बताइए कमेंट करके। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे नॉट लगा के 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। पहले वाले मिलिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद एक दो दो चेन फंदे लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक दो हुआ, तीन, चार, पाँच, छः, सात। हम इसमें 18 डबल क्रोशिया यानी 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने पूरा 18 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर पहले वाले में लिए कैसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद एक दो और एक चेन एक्स्ट्रा कर लेंगे यानी 3 चेन कर लेंगे। फंदे लेंगे और जितना बनाए हैं सब पर हमें एक एक बनाना है। यहाँ पर एक पूरा 18 के ऊपर 18 में बनाना है। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक। तो ऐसे एक एक चेन करेंगे पूरे के ऊपर बना लेंगे। जैसे 18 है नीचे वैसे ही 18 यहाँ पर भी बनाना है। मिडिल मिडिल में 1 1 चेन करना है, एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो ऐसे बना ले रहे हैं हम। तो हमने पूरा 18 डबल क्रोशिया बना लिया और एक एक चेन करते गए। मिडिल में एक चेन किए, फिर इसमें ले के हम ऐसे जॉइंट करेंगे और ये कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब बैक साइड ऐसे लगा के हम ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद से हम ये कलर लेंगे और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बांध के एक दो दो चेन कर लिए, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बगल में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बगल में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम ऐसे ही 2 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने राउंड ऐसे पूरा कंप्लीट किया। पूरा 18 के ऊपर 2 2 बनाए हैं पूरा पूरा। तो 36 हुआ है, 36 हो गया। पहले वाले में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद फिर से हम एक दो, अब यहाँ पर ही हम एक और डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। देखिए ऐसे, फिर एक चेन करेंगे और जितना ये सब है बीच बीच में हम ऐसे 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ते जाएंगे। एक एक जैसे बनाए हैं सेम टू सेम इतना ही बनाना है हमें। ऐसे फिर एक चेन, फिर इसके बीच में फिर एक चेन, फिर ऐसे सबके सामने एक एक ऐसे 2 2 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे हम और एक एक चेन करते जाएंगे और इसमें हम बनाते जाएंगे। फिर एक चेन, फिर ऐसे। तो राउंड कंप्लीट करेंगे। तो फिर राउंड कंप्लीट किए, फिर पहले वाले में लेके हम एक चेन करेंगे और पहले वाले में लेके हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक
तो दो चेन कर लेंगे। दो चेन करके यहाँ पर हम एक पास तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे देखिए। फिर यहाँ एक चेन करेंगे, फिर इसके बगल में भी हम यहाँ एक दो तीन, देखिए फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, तो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक एक चेन करेंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड में ऐसे बनेगा, तो पूरा राउंड ऐसे बना लिए। फिर पहले वाले में लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और यहीं पर एक दो, दो चेन, फिर एक पास यहाँ पर दो डबल क्रोशिया और फिर इसके बगल में ये जो जगह है यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया, यानी थ्री बनाए हैं, इसके ऊपर हम फोर बना लेंगे। देखिए उसके बाद एक चेन कर लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें भी फोर बनाएंगे, एक दो और फिर इसमें भी दो, एक दो, फिर वन चेन, फिर टू इधर बनाएंगे, एक दो और फिर टू इधर बना लेंगे, एक दो, फोर हो गया। फिर वन चेन, फिर इस पर भी फोर बनाएंगे, फिर वन चेन करेंगे, वन वन चेन करते जाएंगे, फोर फोर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, तो पूरा कंप्लीट करते हैं। तो पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद से फिर पहले वाले में लेके हम जॉइंट करेंगे एक चेन करके और उसके बाद से हम यहाँ पर एक दो और उसके बाद जितना है सबके ऊपर एक एक हम बना लेंगे, ऐसे जितना ये सब है इसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ये चेन बनाए हैं इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर बनाएंगे पूरा ऐसे, फिर इस चेन में भी एक, फिर इधर, तो ऐसे ही पूरे में हम एक एक डबल क्रोशिया पूरे के ऊपर हम बना कंप्लीट करते हैं। तो हमने ये राउंड कंप्लीट किया और फिर इसमें ला के हम जॉइंट करके ये कट करके निकाल लेंगे। देखिए इसे बैक साइड हम ऐसे लगा लेते हैं, देखिए ये पूरा मेरा जितना ये फोर फोर ये डबल क्रोशिया हम बनाए थे वैसे ही पूरा फोर फोर इधर भी पड़ा है पूरा पूरा, और ऐसे बना है। आपको अगर ये टाइट लगता है तो एक से दूसरे जाने के बीच में दो डबल क्रोशिया एक पास बना लीजिएगा आप लोग और उसके बाद से ये फोर के ऊपर थ्री बनेगा। तो अगर आप लोग को टाइट पड़ता है तो दो दो बनाइएगा, वरना ऐसे ठीक है, ये बराबर हो गया है। उसके बाद से हम यहाँ से अब हम ये कलर लेंगे बांध के, कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बांधेंगे एक दो, दो चेन, फंदे लेंगे, यहाँ पर हम एक पास फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन एक चार, देखिए फोर डबल क्रोशिया यहाँ हम बना लेंगे। उसके बाद से पूरा ये दो छोड़ना है हमें यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर ये चीज़ें बनाना है। तो यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन, ये दो छोड़ के यहाँ पर, फिर एक दो तीन, फिर ये दो छोड़ के यहाँ पर, फिर एक दो तीन, फिर ये दो छोड़ के यहाँ पर, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पर अब हमें ऐसा बनाना है। फिर फंदे लेंगे और यहाँ पर हम ऐसे एक दो तीन चार, फोर डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, देखिए
फिर एक दो तीन थ्री चेन, फिर एक जगह तीन, दो जगह, फिर यहाँ पर हमें बनाना होगा जैसे यहाँ पर एक दो तीन चार, चौथा जगह चार जगह ये चेन पड़ा है वैसे ही दो तीन, फिर तीन जगह हो गया, फिर एक दो तीन फंदे लेंगे और फिर यहाँ पर बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, देखिए ऐसे ये दो दो छोड़ छोड़ के देखिए यहाँ पर बनाए, फिर ये दो लाइंस छोड़ के फिर यहाँ पर, फिर ये दो लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर बना रहे हैं, फिर ये दो लाइन छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे। आइए तो ऐसे काउंट करके दो दो छोड़ छोड़ के चेन करके तीन जगह एक दो तीन फिर यहाँ पर बनाएंगे, तो ऐसे बना लेंगे पूरा राउंड। तो देखिए हमने राउंड ऐसे कंप्लीट किया, मिडिल में एक दो तीन चार, फोर जगह चेन पड़ा और चार चार ये डबल क्रोशे बनाए हैं ये दो दो छोड़ छोड़ के देखिए। और उसके बाद फिर पहले वाले मिले के हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर, और ज्वाइंट करने के बाद यहीं पर एक दो दो चेन, एक पास दो डबल क्रोशिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया ऐसे, फिर यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया, यानी हमें फोर के बाद यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया चाहिए, यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक दो तीन थ्री चेन करेंगे, ये छोड़ देंगे हम इसमें, यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइंट करेंगे ऐसे, फिर एक दो तीन फिर यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद एक दो तीन थ्री चेन, फिर ये छोड़ देंगे फंदे लेंगे, पहले वाले में हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो फंदे लेंगे, फिर दूसरे वाले में भी हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर तीसरे वाले में भी हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए तो सिक्स हो गया। फिर एक दो तीन फिर ये पहला छोड़ देंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो तीन फिर यहाँ पर, यानी हमें यहाँ दो तीन जगह बनाना, एक दो तीन चेन करेंगे और फिर इसके ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ पर भी छः बना लेंगे। फिर उसके बाद से डायरेक्ट फिर ये नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर इस पर बनाएंगे, तो थ्री जगह देखिए ये बन रहा है, ये फोर नीचे बना चेन, ऊपर थ्री बन रहा है, तो ये राउंड कंप्लीट कर। तो देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया फिर थ्री चेन करके, और पहले वाले में हम ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक दो दो चेन डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर दो, फिर उसके बगल में भी दो डबल क्रोशिया एक पास, और फिर उसके बगल में भी दो डबल क्रोशिया एक पास, फिर उसके बगल में भी दो डबल क्रोशिया एक पास, और फिर यहाँ भी दो डबल क्रोशिया एक पास, जितना है सब में हमें दो दो डबल क्रोशिया एक पास बनाना है, यानी ये छः हम बनाए थे तो मिडिल में फाइव जगह जगह है, फाइव जगह में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ टेन हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टेन डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हम एक दो तीन थ्री चेन करेंगे और फिर ये छोड़ देंगे, मिडिल में सीधे ज्वाइंट करेंगे ऐसे, फिर एक दो तीन चेन फंदे लेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, फिर इस पर हम जितना है सब पर दो दो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, तो फिर यहाँ पर भी दो, फिर यहाँ भी दो, यहाँ सिक्स हुआ था यहाँ पर टेन बनेगा, से दो, फिर लास्ट में भी यहाँ पर दो, तो देखिए फोर सिक्स उसके बाद टेन पूरे के ऊपर ऐसे, ये फ्लावर का बढ़ते जा रहा है ये घटते क्रम में हो रहा, तो ये मिडिल में बस ज्वाइंट हो रहा है। उसके बाद से फिर यहाँ पर भी एक दो तीन चेन और मिडिल में ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे, फिर
फिर एक दो तीन चेन और डायरेक्ट फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे सेम टू सेम दो दो फिर यहाँ पर, तो 10 डबल क्रोशे जैसे यहाँ बना वैसे ही 10 डबल क्रोशे उधर बनेगा पूरे राउंड कंप्लीट। तो हमने राउंड पूरा कंप्लीट किया, फिर पहले वाले मिली कि हम यहाँ जॉइंट करेंगे और उसके बाद एक दो दो चेन फंदे लेंगे, एक पास पहले दो डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर उसके बगल में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर ये दो डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे एक पास, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बगल में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बगल में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया और फिर इधर लास्ट में भी दो डबल क्रोशे एक पास, एक एक दो। देखिए पूरा पूरा इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं हम इसमें। तो ये कंप्लीट होने के बाद से फिर एक दो तीन थ्री चेन करेंगे फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ें यहाँ पर भी बनाना है। पहले वाले में दो डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में दो डबल क्रोशिया, यानी एक जगह दो डबल क्रोशिया, एक जगह एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, ऐसे करके बनाना है। तो हम ऐसे बना रहे हैं एक, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ एक और उसके बाद यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक दो तीन थ्री चेन फंदे लेंगे, फिर इस पर बनाएंगे, तो सेम चीज़ें बनेगा। तो हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हमने राउंड ऐसे कंप्लीट किया, फिर थ्री चेन करके पहले वाले में लेके ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर फ्लैट स्टिच से यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे थ्री डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम ऐसे, फिर यहाँ पर एक दो तीन थ्री चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे हम यहाँ पर, त्रिबुल क्रोशिया बना रहे हैं। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हम एट त्रिबुल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। उसके बाद हम एक दो तीन चार यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया ये छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, देखिए फिर डबल फंदे लेंगे, फिर एक दो तीन चार फोर छोड़ के जैसे थ्री इधर से छोड़ के यहाँ बनाए हैं वैसे ही थ्री इधर से छोड़ के यहाँ पर त्रिबुल क्रोशिया हमें बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात एक आठ, आठ त्रिबुल क्रोशिया यहाँ पर भी बना लिए। अब उसके बाद से हम यहाँ पर ऐसे इस चेन में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे डायरेक्ट, देखिए उसके बाद फिर फंदे लेंगे डबल, फिर एक दो तीन तीन छोड़ के यहाँ पर आठ त्रिबुल क्रोशिया पहले बनाएंगे, तीन चार पाँच छः सात एक आठ, आठ त्रिबुल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। फिर उसके बाद से एक दो तीन चार यहाँ पर ये एक पास दो डबल क्रोशिया है इसके बीच में ऐसे जॉइंट करेंगे, चार डबल क्रोशिया इधर छोड़ के फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इधर से एक दो तीन यहाँ पर फिर और मिडिल से काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार चार छोड़ के यहाँ पर ऐसे त्रिबुल क्रोशिया हमें बनाना है यहाँ पर।
फिर हम यहाँ पर भी 8 ट्रिबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ पर भी 8 ट्रिबल क्रोशिया हम बना लिए। फिर इस चेन के बीच में हम ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इधर बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर भी 3 छोड़ के हम बनाएंगे, 1 2 3 छोड़ के यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो अब ऐसे ही बनेगा, 8 ट्रिबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ 3 छोड़ के, यहाँ पर अब हम 8 ट्रिबल क्रोशे बना लेंगे, फिर इसमें 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर फिर से 8 ट्रिबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने चारों तरफ से बना लिया और फिर पहले वाले में यहाँ लेके ऐसे चेन में जॉइंट कर लेंगे, और फिर पहला वाला चेन है उसमें लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और ये कट करके अब निकाल लेंगे हम। तो देखिए हमारा ये डिजाइन बनके तैयार है। ये डिजाइन कैसा लग रहा जरूर बताइए कमेंट करके। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिजाइन लेके आए तो आप लोग के पास मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।